विगत दिनों निम्बत के समीप गांव डुंगलाउदा में एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। युवक के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, साथ ही हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। उक्त घटना को लेकर मेघवाल समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक निम्बत के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जिस स्थिति में संतोष की लाश लटकी हुई मिली, उससे यह अंदेशा लगता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है। संतोष की हत्या कर उसे फंदे पर लटकाया गया है। मेघवाल समाज ज्ञापन के माध्यम से न्याय की मांग करता है और जल्द से जल्द इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर हत्यारा को गिरफ्तार करे, साथ ही मृतक के परिजनों को भी उचित मुआवजा दे। ज्ञापन में बताया गया है कि एक सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो नीमच और मंदसौर जिले के मेघवाल समाज के लोग फोर लाइन पे चक्का जाम करेंगे, जिस पर पूरी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इस दौरान युवा मेघवाल समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश जावरिया, किसान नेता श्यामलाल जोगचंद, कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुजर सहित बड़ी संख्या में मेघवाल समाज के नागरिकगण उपस्थित थे। बच्चे की हत्या हो गई, इंसाफ के लिए आए। क्या नाम है बच्चे का? संतोष। कहाँ पर काम करता? ये ट्रांसपोर्ट पे। कब से काम कर रहे थे? ट्रांसपोर्ट पे कब से काम? एक साल से काम कर रहा था। कोई विवाद वाद पहले हुआ था उनका कि क्या रहा था यहाँ, कुछ क्या लगता आपको? हमारी जानकारी में तो कोई विवाद नहीं था, अभी तक नहीं हुआ। तो अभी क्या मांग लेकर यहाँ आए हैं आप, क्या चाहते हैं? प्रशासन से न्याय चाहते हैं और क्या चाहते हैं। जो क्या लगता है उनको, वो फांसी पे लटके हुए मिले थे, क्या हत्या है? क्या हत्या है? हत्या है पीछे। लोगों पे शंका है आप लोगों को? किसी का नाम वगैरह आप जानते हैं? नहीं जानते। मतलब कोई झगड़ा वगैरह सामने आया है क्या आपका? नहीं, झगड़ा वगड़ा तो नहीं आया सर। तो फिर मतलब हत्या की आशंका आपने जाहिर की है, तो किन लोगों पे कुछ है मामला? पीछे हाथ बांध रखे, हत्या ही और क्या है। किन लोगों पे शंका है हमें मालूम थोड़ी है, वो हमने बताया भी नहीं बच्चे ने हमको अभी तक के काम। तो हमारे साथ कोई उलझ जुलझ बात या लड़ाई झगड़ा वाली ऐसी कोई बात? क्या घटनाक्रम क्या रहा? वो हत्या करके फांसी पे लटका दिया, पीछे हाथ बांध के मुंह में कपड़ा ठूस के। कहाँ की घटना है ये? ये डुंगलाउदा। डुंगलाउदा में क्या ट्रांसपोर्ट कौन सा है? कर्नाटक महाराष्ट्र। कर्नाटक, हाँ कर्नाटक महाराष्ट्र। संजय जी कर क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश। क्या लगता है आप मृतक के पिताजी? एक युवा की मौत हो जाती है और वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, ऐसा लगता है कि हत्या की गई है, हत्या करके उसको फांसी के फंदे पर टांग दिया, उनके दोनों हाथों को पीछे से बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि नीमच जिले का पुलिस प्रशासन है वो इस कदर निष्ठुर है कि इस प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। एक दलित युवक की हत्या हो गई और उसके बाद नीमच का जिला प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन, इसके कान पे जू तक नहीं रेंगी। आज मेघवाल समाज और सभी समाज के लोग यहाँ पर आए और एक ज्ञापन देने के लिए, एसपी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि ज्ञापन देने से पहले ठीक 10-15 मिनट पहले हमको ज्ञात हुआ कि यहाँ एसपी महोदय अंदर थे और जैसे ही लोग आए और उसके बाद एसपी यहाँ से निकल जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि किस तरीके का प्रशासन है। जो कप्तान है, कप्तान की नाक के नीचे हत्या हो जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज सारे समाज और सारी बिरादर के लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि आज एक ज्ञापन दिया है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 7 दिन का, जैसा कि हमारे प्रदेश युवा अध्यक्ष जी है उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हजारों लोग मंदसौर संसदीय क्षेत्र के नीमच में इकट्ठे होंगे और आकर के एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये लोगों की जानें इतनी सस्ती नहीं है। अगर यही काम अगर कोई दूसरा होता तो मुझे लगता कि पूरा का पूरा प्रशासन उसमें लग जाता, लेकिन प्रशासन नाम की चिड़िया नीमच में कहीं दिखाई नहीं देती है और इसका हम ताकत से विरोध करते हैं और नीमच के एसपी से यही अनुरोध करते हैं कि भैया एसपी साहब, कम से कम ऐसे गंभीर मामले में तो आपको रुक कर के लोगों की बात सुनना थी, लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे एसपी और ऐसी ऐसी प्रशासन हो गया है कि वो आम जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।